हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन मास्टर में, जहां आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया ए और वेस्ट इंडीज ए के बीच में होने वाला सेकेंड अनऑफिशियल टेस्ट मैच, जो कि टॉन्टन में खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस मैच के मैं आपको प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं आपको प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम बताऊं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, इंग्लैंड वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन का जो वीडियो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर चैनल पर देख लें। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं दोनों टीमों की, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। अगर बात करें फ्रेंड्स, पहला मैच जो कि पहला टेस्ट मैच हुआ था वो ड्रॉ रहा था, और उस मैच में दोनों टीमों के प्लेयर्स के जो परफॉर्मेंस थे वो तकरीबन अच्छे थे और सारे प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो उम्मीद कम है कि इस मैच में ज़्यादा कुछ चेंजिंग देखने को मिल सकता है। अगर दोनों टीमों के आपस में रिकॉर्ड्स की बात करें तो लास्ट 5 मैचों में वेस्ट इंडीज ने 2 टेस्ट मैच जीते हैं, वहीं इंडिया ए ने 1 और 2 मैच ड्रॉ रहा है। तो एक बार फिर से कांटे का टक्कर देखने को मिल सकता है आपको। आइए बात करते हैं फ्रेंड्स अब इंडिया की ए की प्रोबेबल 11 की। तो मयंक अग्रवाल जो कि ओपन करेंगे, उनके साथ पृथ्वी शॉ, फिर रवि कुमार समर्थ, करुण नायर जो कि कैप्टेंसी करेंगे, हनुमा विहारी, विजय शंकर, श्रीकर भारत और ऋषभ पंत में से कोई है, कि पिछला मैच ऋषभ पंत नहीं खेले थे और अभी भी उनका न्यूज नहीं है कि क्या पता वो अवेलेबल हैं या नहीं या खेलेंगे या नहीं, तो रिस्क की जरूर है थोड़े से। श्रीकर भारत जो कि पिछला मैच खेले थे और इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा था, तो उम्मीद ज़्यादा है कि 80% चांस है कि श्रीकर भारत ही विकेट कीपिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। उसके बाद जयंत यादव, शहबाज नदीम, नवनदीप सैनी और अंकित राजपूत। तो फ्रेंड्स, ये इंडिया ए की प्रोबेबल 11 रहने वाली है। जो रिस्की प्लेयर हैं बता दूं फ्रेंड्स, श्रीकर भारत या ऋषभ पंत में से कोई एक, दोनों प्लेयर थोड़े से डाउटफुल हैं ऋषभ पंत की वजह से, जो कि पिछला मैच नहीं खेले थे, हो सकता है इस मैच में खेल भी लें लेकिन चांस कम है। उसके बाद फ्रेंड्स, जयंत यादव, ये दो प्लेयर थोड़े से रिस्की हैं, तो आप इन दोनों प्लेयर को स्किप करके चलें, बाकी के जो प्लेयर हैं वो तकरीबन सेफ हैं। तो आप बाकी के जो 9 प्लेयर हैं आप उनमें से किसी को भी अपनी ड्रीम 11 टीम में रख सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स वेस्ट इंडीज ए की प्रोबेबल 11 की, तो जॉन कैम्बेल ओपन करेंगे, उनके साथ चंद्रपॉल हेमराज, फिर जर्मेन ब्लैकवुड, समरा ब्रुक्स जो कि कैप्टेंसी करेंगे, फिर सुनील एम्ब्रिस, डेवॉन थॉमस जो कि विकेट कीपिंग करेंगे, फिर रेमॉन रीफर, रखीम कॉर्नवाल, चेमार होल्डर वरिकन और शर्मन लेविस। तो फ्रेंड्स, ये वेस्ट इंडीज ए की प्रोबेबल 11 रहने वाली है। अब जो इसमें थोड़े से मुझे डाउटफुल लग रहे हैं फ्रेंड्स, वो हो सकता है जॉन कैम्बेल, हालांकि पहला मैच में इनका परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं था, लेकिन उम्मीद है कि एक मौका और इनको मिलेगा। वहीं वरिकन थोड़े से डाउटफुल है, तो ये दो प्लेयर मुझे थोड़े से डाउटफुल लग रहे हैं, बाकी के जो प्लेयर हैं वो तकरीबन सेफ हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अब आइए बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की फ्रेंड्स। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, मैंने ऑलरेडी टीम बना रखा है, आइए एक बार देख लेते हैं। और बता दूं ये स्मॉल लीग के लिए मैं टीम बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपके पास विकेट कीपिंग में दो ऑप्शन, डेवॉन थॉमस और कोना श्रीकर भारत, ये दो अच्छे ऑप्शन हैं जिनको आप रख सकते हैं। ऋषभ पंत का अभी भी डाउट है, कुछ न्यूज नहीं आया है कि खेलेंगे या नहीं, तो अगर आप इन पे रिस्क भी लेना चाहते हैं तो ग्रैंड लीग में अगर 2-3 टीमें बना रहे हैं तो एक टीम में ऋषभ पंत को रख सकते हैं, लेकिन आप सेफ जाना चाहते हैं तो डेवॉन थॉमस के साथ जाएं, और मैं सेफ टीम बना रहा हूं इसलिए मैं डेवॉन थॉमस को रखा हूं, वरना आप श्रीकर भारत को रख सकते हैं। भाई बात करें बैट्समैन की, तो मैंने 5 बैट्समैन, करुण नायर, जर्मेन ब्लैकवुड, रवि कुमार समर्थ, सुनील एम्ब्रिस और पृथ्वी शॉ, ये 5 बैट्समैन को मैंने पिक करा है। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है फ्रेंड्स, मयंक अग्रवाल जो कि ओपन करेंगे, तो आप इनको रख सकते हैं, या फिर हनुमा विहारी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आप इनको रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, समरा ब्रुक्स आप इनको रख सकते हैं जो कि कैप्टेंसी करेंगे, और चंद्रपॉल हेमराज जो कि ओपन करते हैं और अच्छे फॉर्म में है, तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई बैट्समैन की बात, अब ये बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो मैंने सिर्फ एक ऑलराउंडर रेमॉन रीफर को रखा है, आपके पास रखीम कॉर्नवाल को रख सकते हैं, जॉन कैम्पबेल, विजय शंकर और जयंत यादव, ये कुछ ऑप्शन है जिनको आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही ऑलराउंडर रखा है और 5 बैट्समैन, और मैंने 4 बॉलर्स को रखे हैं क्योंकि टेस्ट मैच है तो विकेट गिरने लगभग लाजमी है, इसलिए मैंने 4 बॉलर रखे हैं। 4 बॉलर में फ्रेंड्स, शहबाज नदीम, चमार होल्डर, अंकित राजपूत और शर्मन लेविस, ये 4 को मैंने रखा है फ्रेंड्स। शर्मन लेविस को देख सकते हैं 0 पॉइंट दिखा रहा है पिछले मैच में, ये ड्रीम 11 टीम में इनको ये लिस्ट में दिया नहीं गया था इस, और उन्होंने पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट निकाले, दोनों इनिंग में 4-4 विकेट, इसलिए मैंने इनको रखा है। और आप देख सकते हैं सिर्फ 11% लोगों ने इनको रखा हुआ, इसलिए मैं इनको छोड़ नहीं सकता। जो बाकी के
ऑप्शन है फ्रेंड्स बता दूं, नवदीप सैनी आप इनको रख सकते हैं, जो मेल वेरिकन थोड़े से रिस्की हैं लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। हो सकता है कि डोमिनिक ड्रेक्स या ओसेन थॉमस वरिकन की जगह पे आ जाएं। वैसे जो चार बेस्ट ऑप्शन थे मैंने पिक कर लिए हैं फ्रेंड्स। ये तो हो गई टीम, आइए अब बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन मैंने करुण नायर को बना दिया है और वाइस कैप्टन मैंने शरमेन लेविस, जो कि पहले मैच में 8 विकेट इन्होंने झटके थे, तो उनको बना दिया। आप अगर इनको नहीं बनाना चाहते तो आप किसी बैट्समैन को या तो सुनील एम्ब्रिस या फिर पृथ्वी शॉ, या अगर मयंक अग्रवाल को रखना चाहते हैं तो उनको टीम में रख के कैप्टन या वाइस कैप्टन बना दें। फ्रेंड्स आइए अब बात करते हैं, एक बार प्रीव्यू देख लें। डेवॉन थॉमस, करुण नायर, जर्मेन ब्लैकवुड, आर समर्थ, पृथ्वी शॉ, सुनील एम्ब्रिस, रीफर, शहबाज नदीम, चेमार होल्डर, अंकित राजपूत और शरमेन लेविस। फ्रेंड्स ये आज की मेरी ड्रीम 11 टीम, जरूर नहीं जो मैं टीम बनाया उससे आप जीते हैं, तो अगर एक दो चेंजेज करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लें, वरना सेम टीम रहने दें। और फ्रेंड्स कैप्टन और वाइस कैप्टन तो खुद की च्वाइस से रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।